रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार पर पथराव मामले में बड़ी कार्रवाई, 13 लोग गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया। गुलाम नबी आजाद के बाद आनंद शर्मा का इस्तीफा, हिमाचल में स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन पद छोड़ा। सोनिया से बोले नजरअंदाज किया जा रहा है। आप विधायक की चेतावनी, पठान मजरा बोले ऐसा किसी के साथ नहीं हो सकता, कानूनी कार्रवाई करूंगा, अश्लील वीडियो वायरल हुई थी। बारिश, बाढ़ से बेहाल 8 राज्य, झारखंड में 7 मौतें, एमपी में आधी रात खोलने पर डैम के गेट, प्रयागराज में डूबा नमो घाट। आईएनआईए का फंडिंग को लेकर मिला पुख्ता सबूत, केरल तमिलनाडु अलकायदा आईएसआई से जुड़े आतंकवादी गुट एक्टिव। दो हादसे में 2 परिवार के 11 लोगों की मौत, बागपत में पति, गर्भवती पत्नी और 3 बच्चों को कैटर ने रौंदा। सहारनपुर में ट्रक वैन की भिड़ंत। गोरखपुर में माफिया राजन तिवारी के पुलिसकर्मियों से धमकाया, केस दर्ज, जेल जाते वक्त पुलिस से बोला जेल से छूटते ही जान से मार दूंगा। बदायूं में एसडीएम से अपने गांव में झड़प, बिसौली में परवेज नगर गांव में सम्मान समारोह पहुंचे थे, बाद में शांतिपूर्ण ढंग से हुआ कार्यक्रम। शौक ने पहुंचा था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, मुजफ्फरनगर के तुषार ने 5 किलोमीटर अखबारी रद्दी से 1500 तीलियों से बनाया था राम मंदिर का मॉडल। प्रयागराज में डेयरी संचालकों ने बछड़े के साथ की हैवानियत, गाय का दूध पीने पर पीटा, अधमरा होने पर पैर बांध कूड़े में फेंका। इसराइल से भारत आने वाली मिसाइल खरीद रहा है चीन, एक और दुश्मन, 70 किलोमीटर की रेंज में ड्रैगन की नो एंट्री। गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान फरार, पीटीआई और पीएके सरकार को धमकी, इस्लामाबाद कब्जा लेंगे। चीन में सूखे ने तोड़ा 61 साल का रिकॉर्ड, फसलों को बचाने के लिए कृत्रिम बारिश करवाने जा रहा है ड्रैगन। स्थायी संबंध एक तरफा नहीं होता, सीमा समझौते के उल्लंघन पर जयशंकर ने चीन को जमकर सुनाया। पाकिस्तान में सिख लड़की किडनैप, धन बदलवाकर जबरन कराया निकाह, मजिंदर सिरसा बोले विदेश मंत्री से करेंगे बात। वकार यूनुस के बाद इरफान पठान की पोस्ट, बुमराह और हर्षर के नहीं खेलने से दूसरी टीमों की राहत मिली। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 9 रन से हराया, रोमांचक मैच में नासिर शाह ने झटके 5 विकेट, बाबर आजम ने खेली 91 रन की शानदार पारी। अफरीदी लगातार गाली गलौज करते रहे लेकिन सचिन ने फोकस नहीं खोया, सहवाग ने खोले सचिन के मास्टर पारी के कई राज। नासिर शाह की हवा में लहराती गेंद पर बोल्ड हुआ बैटर, आउट होते ही पहुंचा सदमे में, गेंदबाज को देखने लगा। एशिया कप में शाहीन के बाहर होने पर आया शाहिद अफरीदी का रिएक्शन, बोले मैंने उनको पहले ही मना किया था, लाला अब रिटायरमेंट वापस ले ले। फिल्म फेयर में केस करेंगी कंगना रनौत, कहा बैन करने के बाद भी मुझे देना चाहते हैं अवार्ड, बार बार कर रहे हैं कॉल। ऑन स्क्रीन रोका ट्रोल होने पर नेहा कंकड़ का रिएक्शन, बोली मैं ट्रोलर्स को इल्जाम नहीं देती क्योंकि मेरी तरह इमोशनल नहीं है। चिरंजीवी स्टार गॉडफादर का टीजर हुआ रिलीज, मेगा स्टार के साथ सलमान खान भी आए नजर, 5 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म।
विवेक अग्नोत्री ने शेयर की बॉलीवुड की इनसाइड स्टोरी, बोले ये वैसा नहीं जैसा दिखता है, यहाँ लोग आपके फेलियर को सेलिब्रेट करते हैं। फिल्म मेकर राहुल ढोलकिया ने बॉलीवुड को दिया फॉर्मूला, बोले घमंड छोड़कर अपने कंटेंट पर काम करो, इसी से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलेगी। फिलहाल 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार।